ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने आज असंख्य समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच अपना जन्मदिन मनाया। व्हाइट हाउस में युवा नेता संदीप नाइक को बधाई देने वालों का बड़ा हुजूम देखने को मिला। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता दशरथ भगत, अनंत सुतार, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, महापौर जयवंत सुतार, पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने, प्रकल्पग्रस्त नेता डॉक्टर राजेश पाटिल समेत कई पदाधिकारियों ने उन्हें उपहार में पेड़ देकर जन्मदिन की बधाइयां दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक ने प्रधानमंत्री के घर घर तिरंगा अभियान को बल देते हुए शुभेच्छा देने वाले सभी जनों को तिरंगा भेंट किया। सबका आभार जताते हुए युवा नेता और पूर्व विधायक संदीप नाइक ने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं का यही प्यार और सम्मान उन्हें जनसेवा करने की प्रेरणा देता है। देखिए झलकियां। संदीप जी नाईक हे युवा नेतृत्व आहे, ज्या पद्धतीने त्यांचे विचार आहेत त्या पद्धतीने वागण्याची त्यांची सचोटी पाहता नोव्हेंबरमध्ये पर्यावरण प्रेम त्यांनी फक्त दाखवलं नाही तर करूनही दाखवलेलं आहे ग्रीन होपच्या माध्यमातून। त्यामुळे आजही पाहतो आहे की त्यांच्या ह्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने येणाऱ्या प्रत्येक माणसाकडून त्या ठिकाणी जे वृक्ष आहे त्याचं रोपटं त्या ठिकाणी ते स्वीकारत आहेत, बुके स्वीकारत नाही, अपवादात्मक एखाद्या व्यक्तीकडनं त्या ठिकाणी बुके स्वीकारतात। आता माझा बुके स्वीकारला, त्यांना सांगितलं की आपण आपल्या माध्यमातूनच खूप मोठं मॅनमेड फॉरेस्ट केलेलं आहे त्यामुळे तो बुके आपण स्वीकारावा, आणि तो त्यांनी स्वीकारलेला आहे। मी त्यांना अशाच पद्धतीने भविष्यामध्ये नवी मुंबईला अजून हिरवीगार आणि आरोग्यदायी बनवण्यासाठी त्यांना चांगलं आरोग्य लाभो अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो। आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने देशप्रेम म्हणून प्रत्येक येणाऱ्या भेटणाऱ्या माणसाला तिरंगा झेंडा दिलेला आहे, माननीय पंतप्रधानांचं आव्हान स्वीकारून एखादा माणूस राष्ट्रप्रेम म्हणून या ठिकाणी घरघर तिरंगा त्या माध्यमातून प्रत्येक येणाऱ्या माणसाला तिरंगा देतोय, तो तिरंगा मलाही त्यांनी दिलेला आहे। हा तिरंगा मी माझ्या घरावर त्या ठिकाणी अभिमानाने फडकवेल। प्रथम आपले MLA संदीप नाईक साहब का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ, क्योंकि एक अच्छा व्यक्तिमत्व, एक इंटेलेक्चुअल जो सोच करते हैं सोचते हैं और यहाँ पे उनके कारकर्दगी में बहुत अच्छी तरह से काम उन्होंने किया है, और इसके लिए हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छा नेतृत्व हमारे नवी मुंबई में है जो अच्छी तरह से काम अभी भी करते हैं आगे भी करेंगे। आज देखिए जन्मदिन है, उन्होंने गुलदस्ता नहीं बोला, उन्होंने बोला मेरे को एक पेड़ लेके आइए, उसका वृक्षारोपण कीजिए, वही मेरे लिए शुभकामनाएं होगी। आज तिरंगा मुहिम चल रही है, अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इन्होंने एक संकल्प छोड़ा है कि तिरंगा यात्रा घर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर नागरिक के मन में तिरंगा के प्रति एक जन जागृति होनी चाहिए। मेरा तिरंगा है, ये तिरंगा मेरा एक देश का प्रतीक है, और वो तिरंगा के आज यहाँ पे झंडा बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी सोच है। इस अवसर पर उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐरोली के प्रथम आमदार एवं कॉरपोरेशन के अपने नई मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्थायी समिति के सभापति एक्स चेयरमैन, उनका बर्थडे 4 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे ही नई मुंबई के जो सभी स्तर के लोग यहाँ पर आकर उनको बधाई देते हैं, और उन्होंने भी जैसे कि 2005 में कॉरपोरेशन में पहली दफ़ा चुन के आने के बाद मुझे मालूम है कि मैं और वो एक ही डेस्क पे एक ही बेंच पे बैठते थे, और वो जब चेयरमैन बने तो मैं भी स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर था, और वो टाइम पर उन्होंने 2005 से लेकर 2010 तक नई मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के अंदर के इतने सारे काम अच्छी तरह से काम यहाँ पर लोगों के किए, कामों का निपटारा किया है। उसी बदौलत उनको ऐरोली में तो भारी संख्या में उनको ऐरोली विधानसभा क्षेत्र से चुन के लोगों ने दिया। उनका काम करने का तरीका अलग है,
वो बोलते कम है लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही उनके विधानसभा में मैं दो दफ़ा गया था, उन्होंने जो स्पीच ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के बारे में उन्होंने हाउस में दी थी वो आज भी मेरे को याद है, झोपड़पट्टी के बारे में ये उन्होंने स्पीच दी। और कई सारे उनके अनुभव ऐसे है कि कार्यकर्ताओं के बारे में जो बोलते वो करके दिखाते, ऐसा उनका तजुर्बा है। आज उनका बर्थडे है, अभी सभी नई मुंबई वासियों को एक पर्व नहीं रहती है कि 4 अगस्त में आकर संदीप नाईक जी को बधाई दे, हम लोग भी बधाई देने के लिए उनको यहाँ पर आए। मैं हमारे वार्ड की तरफ से, निरलु वासियों की तरफ से, नई मुंबई वासियों की तरफ से उनको लाख लाख शुभकामनाएं देता है। ऐसे ही लोगों की सेवा करने के लिए उनको उदंड आयुष्य आई जगदम्बा देव, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आज संदीप नाईक का जन्मदिन है बोलेगा तो नई मुंबई में कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह रहता है। अपने यही भी कहा कि संदीप नाईक नई मुंबई का बुलंद आवाज़ है, संदीप नाईक नई मुंबई का चाणक्य है। नाईक साहब का हर काम किस तरह करना चाहिए उसका पूरा प्लान संदीप नाईक बनाते हैं। संदीप नाईक ने हर आदमी के दिल में जगह बनाई है। संदीप नाईक का काम करने का तरीका है, संदीप नाईक को कभी गुस्सा नहीं आता है, कभी गुस्से में बात नहीं करते, किसी को गाली आज तक दिया नहीं। संदीप नाईक के साथ काम करने के हर कार्यकर्ताओं को एक जोश आता है। आज उनका जन्मदिन है बोलेगा तो हर कार्यकर्ता में जोश है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कार्यकर्ता हर पार्टी में होना चाहिए, और वही कार्यकर्ता हमारे पार्टी में है और हम उनके सहयोगी है, इसका हमें बहुत बड़ा अभिमान है। हम भगवान से प्रार्थना करें संदीप नाईक को लंबी उम्र दे और जनसेवा करने की और ताकत दे। हमारे तरफ से संदीप नाईक को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। एरवली विधानसभा के प्रथम विधायक माननीय श्री संदीप जी नाईक साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस नई मुंबई के युवा नेता जो सबके दिलों पर राज करते हैं उनको हमारे जयम्बे मित्र मंडल भाजपा उत्तर प्रदेश सेल के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत खुशियां मिले, वो जीवन भर राज करें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। आज भी जे सर्व नागरिक कार्यकर्ते मित्र पदाधिकारी आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त मला शुभेच्छा देण्याकरता आले, आणि गेले आठवडाभर संपूर्ण नवी मुंबईमध्ये, नवी मुंबईच्या बाहेर देखील समाज उपयोगी कार्यक्रमांचं आयोजन केलं, त्यामध्ये हेल्थ कॅम्प असतील, ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार असेल, 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा असेल, स्वच्छतेची मोहीम असेल, ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह असेल, असे अनेक समाज उपयोगी कार्यक्रमांचं आयोजन नवी मुंबईमध्ये आणि नवी मुंबई बाहेर देखील सर्व कार्यकर्त्यांनी केलं। मी सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। 2.5 वर्षाचा कोविडचा जो कालावधी होता त्या 2.5 वर्षामध्ये आपण कुठल्या कार्यकर्त्यांना भेटलो नव्हतो, परंतु माझे 2 मागचे वाढदिवस हे कार्यकर्त्यांनी विविध समाज उपयोगी कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं। शेवटी ही जी सकारात्मक ऊर्जा आणि कार्यकर्त्यांची भेटघाट झालीच पाहिजे, आणि हा वाढदिवस हा दिवस असतो। आजच्या दिवशी पुष्पगुच्छ नको, केक नको, उत्सव नको, परंतु समाज उपयोगी कार्यक्रमांचं आयोजन करत असताना आपण एकतरी झाड आज आपण शहरामध्ये लावा म्हणून आज झाडं देखील मी माझ्या NGOच्या माध्यमातून उपलब्ध केलेली। हर घर तिरंगा, राष्ट्रध्वज जो संपूर्ण देशाचा अभिमान आहे, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि संपूर्ण त्या देशामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं राष्ट्राच्या हिताचं एक वातावरण निर्माण व्हावं याकरता हाती घेतलेली ही मोहीम या माध्यमातून प्रत्येक घरामध्ये तिरंगा लहरणार आहे, आणि जी जो तिरंगा हा संस्थांमध्ये असायचा आपण त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचा वैयक्तिक सहभाग हा संपूर्ण देशामध्ये नोंदवतो आहे, आणि त्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामध्ये पहिला देश, नंतर आपलं शहर, नंतर आपलं कुटुंब आणि नंतर आपण आपल्या देशामध्ये जगत असताना स्वतंत्रपणे आपण या देशात जगतो, परंतु
आपलं देखील या देशाप्रती काहीतरी कर्तव्य आहे आणि ती भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये येणं गरजेचं होतं. आणि आजच्या माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं मला एक संधी मिळाली की प्रत्येक आलेला ज्यांनी मला शुभेच्छा दिली त्या प्रत्येक घटकाला मी एक देशाचा ध्वज तिरंगा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नक्कीच ही मोहीम संपूर्ण आपल्या शहरामध्ये राज्यात आणि देशात एका वेगळ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी राबवली जाईल आणि त्यामध्ये आपल्या देशाविषयी प्रत्येक पिढीला आपलेपणा किंवा आपण ह्या संपूर्ण प्रक्रियेचा भाग असताना हे झेंडावंदन किंवा हे राष्ट्रध्वज हे संस्थात्मक न राहता एक वैयक्तिक एक त्याच्यामध्ये एक चांगलं एक ओलावा या माध्यमातून निर्माण होईल असं या ठिकाणी मला वाटतं. मी सर्व कार्यकर्ते आणि ज्या सर्व कार्यकर्त्यांनी माझ्या वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण नवी मुंबईमध्ये आणि नवी मुंबईच्या बाहेर देखील विविध समाजोपयोगी कार्यक्रमांचं आयोजन केलं मी त्यांचं सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.